हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी का सेकंड सेट पर चलते हैं। जो सेट हमारा प्रारंभ था, उसी में आज पार्ट क्या है, टू है, यानी क्लासे जो है सेट का दूसरी है, क्लास जो है दूसरी है। आज इसमें हम लोग और अदर प्रकार के प्रश्न देखेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कुछ ऐसे प्रश्नों से अवगत करवाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग कुछ नए प्रश्नों पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और जो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ये कहा था कि जो क्लासें लाइव स्टार्ट होगी वहाँ पर रुकी घड़ी और तेज घड़ी व धीमी घड़ी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो उस प्रश्नों को छोड़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन आज का प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग चल रहे हैं क्या करने देखने। तो ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। जैसा कि मान लीजिए पहला प्रश्न आपसे इस प्रकार कह दिया जाए, देखिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। सात बजकर क्या, सात बजकर 20 मिनट क्या, 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच। अब यहाँ पर प्रोसेस दोनों सुइयों के बीच, तो यहाँ पर घंटे व मिनट के सुइयों के बीच पूछा जाएगा। ओके, सेकंड के सुइयों के बीच में ना के बराबर पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, बीच का कोण क्या होगा। ओके, जैसा मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोसेस जो दिया है, मान लीजिए कि ऑप्शन दे दिया जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन 110 डिग्री। ओके, दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 डिग्री। तीसरा हो जाएगा 130 डिग्री और चौथा हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं और ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो जैसा कि ये मैंने कहा था कि यदि दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछ ले, क्या दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछ ले, अर्थात 7:20 का टाइम, अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि घड़ी में 7:20 का टाइम हो रहा हो, क्या 7:20 का टाइम हो रहा हो, तो इन दोनों सुइयों के बीच हम बताते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो यहाँ 7:20 का टाइम पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ 7:20 का टाइम पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो घंटे वाली सुई लगभग यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, यहाँ पर। तो यानी कि ये कुछ ना कुछ तो यहाँ से अपने स्थान से थोड़ा खिसकेगी आगे, तो ये इनके बीच का एंगल ज्ञात कर रही है, पूछ रही है। तो ये 30, 30, 60, 30, 90, ये कितना खसकी है, यानी कि यदि हमको ये मालूम हो जाए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था नियम, यदि दोनों घंटों यानी कि दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछे, तो हम लोग इस प्रकार करते हैं। देखिए, इसको हम लोग सेम टू सेम इसी प्रकार लिखेंगे, क्या इसको हम लोग सेम टू सेम इसी प्रकार लिखेंगे, लेकिन ये देखेंगे ये किसको दर्शा रहा है, 20 किसको दर्शा रहा है, 20 चार को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, चार को हम लोग माइनस करेंगे, क्या चार को माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। अब ये जो आया है ये मेरा घंटे में आया है, तो घंटे में क्या करिए, 30 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, ये 30 90 आ गया। और ये देखेंगे इसका आधा करने पर जो आएगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ प्रोसेस यदि माइनस में आया तो इसको जो आधा होगा उसको इसमें घटाएंगे, यदि यहाँ प्लस आया तो इसका आधा करने पर यहाँ क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो 30 क्या हो जाएगा, 90। तो इसका आधा 20 का आधा क्या, 10।
जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें का ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, 70 है। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, 70 है। इसी के जैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसी के जैसे, सेम टू सेम। ओके, रफ किया जाए दोस्तों, चलिए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब जैसा कि मान लीजिए कि एक प्रश्न और देख लेते हैं, ये जो प्रश्न है ये भी सेम इसी प्रकार का है। दो बजकर ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 2:40 क्या 2:40 मिनट पर घड़ी में घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ओके, ऑप्शन देखिए क्या दिया रहेगा। मान लीजिए कि ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है मेरा 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 165 डिग्री, चौथा ऑप्शन 160 डिग्री क्या, और फोर्थ नंबर 145 डिग्री। ओके, तो इसको हम लोग घड़ी में सर्वप्रथम बनाते हैं, यानी कि घड़ी में इसको हम लोग दर्शाते हैं क्या टाइम होगा, क्या घड़ी में क्या टाइम होगा उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये मान लीजिए कि इस प्रकार, ओके, ये 12 है, 6 है, 3 है, 9 1 2 4 5 7 8 10 11। तो यहाँ कितना, 2:40 का टाइम बता रहा है क्या, 2:40। तो यहाँ पर जो सुई है इस प्रकार होगी, घंटे वाली सुई थोड़ा सा इस प्रकार होगी, ऐसे 2:40, ये 30 है, 35-40 यानी कि यहाँ पर मिनट होगी। तो इनके बीच का एंगल बता रही, पूछ रही है। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस है क्या 2:40 का, तो 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 130 कितना हो जाएगा 150। अभी यही एंगल पूछ रहा है कितना होगा। तो ये लगभग में सभी माने इसी प्रकार दिए रहेंगे, सभी माने इसी प्रकार। तो आपको सेम प्रोसेस ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या ऐसे, इसको हम लोग ऐसे जैसे वैसे ही रखेंगे। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, ये 40 जो है 8 को प्रदर्शित कर रहा है। तो 8 हम लोग इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये क्या आएगा माइनस है, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, लेकिन ये स्वयं देखना पड़ेगा कि ये मान माइनस में आ रहा है कि प्लस में। तो यहाँ प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि यह संख्या बड़ी है इससे, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस हम लोग ये देख रहे हैं कि माइनस आएगा। तो इसमें 30 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6 × 18 दोस्तों 130 आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस आ गया यहाँ पर टिक तुरंत ही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, इसका आधा होगा 40 का आधा क्या होगा दोस्तों, ऐसे 2 × 2, 2 × 4 20 आएगा, 20 इसमें क्या करिए माइनस कर दीजिए, 0, 8 में से 2 गए 6, 1 कितना 160 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन मेरा राइट है। इसी प्रकार के प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग और कुछ प्रश्नों पर फोकस कर लेते हैं। ओके, इसको रफ किया जाए, चलिए। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं,
जो मैं आप करवा चुका हूँ, जो बता चुका हूँ, उसी में से कुछ अंकों को डिफरेंट करते हुए यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। क्या अंकों को डिफरेंट करते हुए यहाँ पर प्रश्न क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो अब मान लीजिए कि यहीं पर थोड़ा सा हम लोग प्रश्न क्या करते हैं, घुमा देते हैं, ओके। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अगला प्रश्न देखा जाए, 255 मिनट में घड़ी की क्या, घड़ी की मिनट, 255 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है। यानी कि यहाँ पर 255 मिनट में, यहाँ 255 मिनट में मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्या करती है, बनाती है। मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री के एंगल बनाती है। तो यहाँ 255 मिनट में, तो 255 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 255 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आपको ये याद होना चाहिए और याद होगा कि सर मुझे बताए थे कि एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री के एंगल बना रही है, 6 डिग्री का। तो 255 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 255 मिनट इंटू 6, तो यहाँ पर 6 × 35 = 3, 6 × 35 = 3, 3 × 3 = 3, 6 × 12 = 12, 3 कितना हो जाएगा, 15 दोस्तों, यानी कि कितना, 1530 डिग्री के एंगल बनाएगी। यानी कि मिनट वाली सुई 235 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 1530। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट है दोस्तों, ऑप्शन मेरा राइट 1530, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है, थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। और थोड़ा बाहरी वातावरण की ध्वनियाँ आ रही हैं, उसको आप लोग इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए, ओके। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्नों पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, इसको रफ किया जाए दोस्तों। अब मान लीजिए कि आपसे कुछ इस प्रकार का प्रश्न कह दे, ध्यान दीजिएगा, अब इसी पर मिनट की हो गई, अब घंटे पर हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि जो समय है, यानी कि 24 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी या बनाती है, ओके। ऑप्शन यदि मान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन की बात की जाए, तो ऑप्शन आपका पहला आएगा 10 डिग्री, ओके। सेकेंड ऑप्शन आएगा 60 डिग्री, और थर्ड नंबर आएगा 12 डिग्री, क्या 12 डिग्री, और फोर्थ नंबर आएगा 20 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए कि मिनट वाली सुई, यानी कि 24 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री के एंगल बनाती है। तो आपको ये याद होना चाहिए, घंटे वाली सुई एक मिनट में हाफ डिग्री के एंगल बनाती है, क्या, हाफ डिग्री के एंगल बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 मिनट की बात हो रही है, क्या 24 मिनट की, तो इसमें हाफ डिग्री क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4, यानी कितना आया, 12 डिग्री के एंगल आया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन मेरा क्या है, सत्य है, क्या सत्य है। अब मान लीजिए किसी पर और मैं एक डायरेक्ट रूप से प्रश्न कहता हूँ, और प्रश्न लिखने की यहाँ पर प्रयास या कोशिश हम लोग ना करें, क्यों, क्योंकि टाइम की बचत होगी, अधिक से अधिक प्रश्नों को हल किया जा सकता है, ओके।
अब जैसा कि यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ये अगला टाइप का प्रश्न स्टार्ट होने जा रहा है। अब जैसे कि अभी जो मैंने करवाया सेम टू सेम है, लेकिन 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 यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा चेंजिंग पॉइंट रहेगा। जो मान आएगा वो बट्टे में आएगा, जो मान आएगा डिग्री में वो बट्टे में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 3:35 का टाइम, क्या 3:35 के टाइम 3:35 पर घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा तथा इनके विपरीत का भी एंगल ज्ञात कीजिए। क्या इनके विपरीत का भी एंगल ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा। 3:35 पर घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का एंगल तथा इन सुइयों के विपरीत का एंगल क्या होगा। सेम प्रोसेस करना जो मैंने आपको समझाया, जो कुछ क्लासें पिछली क्लासों में पढ़ाई गई हैं, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, क्लासों को देख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, जैसा मान लीजिए कि यहाँ पर यदि घड़ी का फिगर बनाया जाए, यानी घड़ी बनाई जाए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 12 है, ओके, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, 9 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5, 7, 8, 10, 11, ओके, ये टाइम है। लेकिन यहाँ पर 3:35 का टाइम बता रहा है, क्या 3:35, तो घंटे वाली सुई लगभग मध्य में रहेगी और ये मिनट वाली सुई यहाँ पर, इसके बीच का तो एंगल पूछ रहा है, लेकिन इसके पीछे का विपरीत का भी एंगल पूछा जा रहा है। यहाँ पर दो आंसर हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि 3 को सेम टू सेम उसी प्रकार रखूँगा, 3 को सेम टू सेम उसी प्रकार रखूँगा, लेकिन यहाँ पर जो है 35, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, 7 को, तो इसको क्या करिए, घटा दीजिए। यदि यहाँ पर हम लोग 7 को क्या किया जाए, माइनस किया जाए, तो 4 आएगा माइनस में, लेकिन माइनस लिखेंगे नहीं, लेकिन माइनस क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। यदि हम लोग यहाँ पर 30 से गुणा करें, क्यों, क्योंकि ये घंटे में, घंटे वाली सुई प्रोसेस वो अलग होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 120 आया, 120 तो आ गया, लेकिन इसका हमको आधा करना पड़ेगा, इसको हमको आधा करना पड़ेगा, इसका आएगा 17 × 2 = 34, 17.5 आएगा आधा करने पर। क्या यदि भाग दें 35 में किससे, 2 से 2 = 9, 1 × 5 2 × 14 = 1.02, 5 × 10 यानी कि 17.5 आएगा, 17.5, और ये मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है दोस्तों, तो इसमें हम लोग 17.5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0, तो यहाँ 17.5 ये यहाँ पर इससे कैरी लेगा, लेकिन कैरी है नहीं, इससे ले लेगा, 10 एक इसमें दे दिया, तो 10 में से 5 गए 5, दशमलव है 0.9, में से 7 गए 2, और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा 10 आएगा, 102.5 आएगा मेरा आंसर, या हम लोग इसको भी कह सकते हैं 102 / 1/2, इतना मेरा आंसर आएगा, हाफ डिग्री में एंगल आएगा। इस प्रकार यदि मान लीजिए कि ये तो मेरा यहाँ का मान हो गया, यहाँ पर 102.5 डिग्री का एंगल, तो इसके विपरीत क्या होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि पूरा एंगल कितना होता है, क्या पूरा एंगल क्या होता है, कितना 360, तो हमको कितना घटाना है 102.5, तो यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, ये कैरी लेगा 10, एक इसको दे देगा, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से 2 गए 7, यहाँ 5 में से 0 गए 5, 3 में से 1 गए 2, यानी कि 257.5 डिग्री का एंगल ये होगा, 257.5 डिग्री का एंगल होगा, ये मेरा आंसर क्या प्राप्त हुआ, विपरीत व
इसके आगे यानी कि इनके दोनों सुइयों के बीच का एंगल भी ज्ञात हुआ। अब मान लीजिए कि यहीं पर थोड़ा सा प्रोसेस मैं घुमा दूँ, सेम प्रोसेस, ये सवाल यही रहेगा, बस यहाँ पर अंकों का डिफरेंट रहेगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर उसको आने वाले क्लासों में हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि मान लीजिए 8:15 का टाइम कहते हैं, क्या 8:15 का टाइम, तो इसके दोनों सुइयों के बीच यानी कि घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का एंगल और इनके विपरीत का एंगल भी दोनों ज्ञात करना है। तो ऐसे ही ज्ञात करना है जैसे ये किया मैंने, तो आपको ये प्रोसेस इसी प्रकार ही करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये थोड़ा प्रोसेस आपको ध्यान देना है। सर्वप्रथम एक घड़ी का निर्माण करेंगे, अर्थात एक घड़ी बनाएंगे और उसमें 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो यहाँ पर क्या टाइम होगा, तो यहाँ 8:15 का टाइम दिखा रहा है, क्या 8:15 का टाइम दिखा रहा है, ऐसे बनाइए 8:15 का टाइम ये है, ओके। ये मान लीजिए कि ये हमारा इस प्रकार इसको बना लीजिए, ओके। तो इनके बीच का भी एंगल पूछ रहा है और इनके विपरीत का भी एंगल पूछ रहा है, दोनों का एंगल पूछ रहा है। तो आपको 8 को 8 ही रहने देंगे, 8 को 8 ही हम लोग रहने देंगे। इस प्रकार 8 है, 8 को 8 रहने दीजिए। अभी 15 किसको प्रदर्शित कर रहा है, 3 को, तो यहाँ पर 3 माइनस करिए तो 5 आया, 5 में 30 से गुणा कर दीजिए, 5 15 हो गया, और 15 हुआ यानी कि 150 हुआ, और इसका आधा करने पर क्या आएगा, 7.5, 7.5 आएगा। तो यहाँ पर 7.5 क्या करिए, घटा जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव मान आया है, क्या पॉजिटिव आया है, तो ये 5.7075 आएगा। ये तो मेरा इस पक्ष का मान हो गया, ये तो मेरा इस पक्ष का मान हो गया 157.5। तो विपरीत क्या होगा, तो 360 में क्या करिए, 157.5 क्या करिए, घटा दीजिए, 10 में 5 गए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2.0, अब यहाँ 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गए 2, यानी 202.5। यदि इनको ऐड किया जाए दोस्तों, क्या हमारा 360 आता है, आना तो चाहिए, 5, 5, 10 के 0 हासिल 1, 7, 2, 9, 1, 10 के 0 हासिल 1, 3, 5, 1, 6, 3, 2, 3, 2 और 1, 3, 360 ये हट जाएगा मेरा प्रोसेस। तो ये मेरा विपरीत कितना आएगा, 202.5 और इस तरफ का 157.5। तो ये मान इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बहुत ही सरल मैं आपको अध्ययन करवा चुका हूँ। तो इसके बाद एक दो और क्लासें देख लेंगे न्यूमेरिकल पर यानी सेट पर, जो आपको क्या होगा, क्लियर कराएगा। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।